हेलो, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ फाइव के चिकन टिक्का की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसके लिए हमने 4 kg चिकन लिए। यहाँ पर लेग पीस हमने यूज़ किए हैं। यहाँ पर आपको चिकन को अच्छी तरीके से वॉश करना है। वॉश करते वक्त इसमें थोड़ा सा विनेगर डाल के 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे इसको, फिर अच्छी तरीके से वॉश कर देंगे ताकि इसके अंदर की जितनी भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर आप इसको अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद इस तरीके से कट लगाना है ताकि इसमें अच्छी तरीके से मैरिनेट कर सकें और इसके तमाम स्पाइसेस के इसकी लेग पीस के अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका व्यू कि हमने किस तरीके से कट लगाए। अब व्यूअर्स, हमने लेग पीस के ऊपर जो कट लगाए थे उसको हमने बॉयल करने रख दिया है। बॉयल हमने हाफ कुक करना है और अब बॉयल करते वक्त इसके अंदर हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है 5 टेबल स्पून। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ऐड करिएगा। इसको हमने हाफ़ कुक करना है। देन इसका जो चिकन स्टॉक है वो आप अपने किसी भी यूज़ में ले सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हाफ़ कुक हो गया। हमें इतना कुक करना है कि इसकी जो बोटियाँ हैं वो टूटे नहीं। और अब हम इसकी मैरिनेशन की तरफ चलते हैं। मैरिनेशन करते वक्त आपको यहाँ पर चिकन गार्लिक पेस्ट लेना है 10 to 12 टेबल स्पून। अब इस पेस्ट को हम अच्छी तरीके से चिकन के अंदर मिक्स कर लेंगे प्रॉपर तरीके के साथ। देन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे शान का टिक्का मसाला। आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको टिक्का मसाले की रेसिपी चाहिए है तो वो मेरे चैनल पे पहले ही ऑलरेडी अपलोड है। यहाँ पर आप किसी ब्रांड का, अच्छे ब्रांड का चिकन टिक्का मसाला ऐड कर सकते हैं। फूड कलर भी इसमें ऐड किया हमने, ये ऑप्शनल है। अगर आप ऐड करना चाहते हैं अच्छे कलर के लिए तो ऐड कर सकते हैं। अभी चिकन टिक्का मसाले को जो हमने ऐड किया है फूड कलर को, अच्छी तरीके से यहाँ पर इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप इसका लुक देख सकते हैं मैरिनेट करने के बाद। अब हम इसको थोड़ी देर 15 to 20 मिनट मैरिनेट करके रख देंगे ताकि इसमें अच्छी तरीके से तमाम स्पाइस ऐड हो जाएँ और फूड कलर भी अच्छी तरीके से इन्हेंस हो जाए। अब व्यूअर्स, हमारी मैरिनेटेड चिकन जो थी, अब हम उसमें बारबेक्यू टेस्ट के लिए यहाँ पर कोल स्मोक देंगे। कोयला आप यहाँ पे 5 to 10 मिनट्स बर्न करके रख सकते हैं और अच्छी तरीके से इसको कवर कर देंगे ताकि कोयले या जितना भी धुआं है वो उसके अंदर ऐड हो जाए। बारबेक्यू टेस्ट के लिए मैरिनेटेड चिकन जो थी उसको हम फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक और अच्छी तरीके से वेल कुक होने तक। यहाँ पर आप उसका फाइनल लुक देख सकते हैं। और इसकी सर्विंग जो है वो मैंने की है सॉस के साथ और साथ में केचप और फ्राइज के साथ। आप अपने अकॉर्डिंग जो चीज़ आपकी फेवरेट हो पसंद कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको मेरे पसंद आई हो तो फिर लास्ट में ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लास्ट में फीडबैक दीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।